नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज हम बात करने वाले हैं एफिडेविट यानी शपथ पत्र के बारे में। क्या है ये एफिडेविट, ये किस काम आता है और इसे कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कानून द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन के सामने कोई रिटर्न डिक्लेरेशन यानी लिखित शपथ लेता है तो उसे शपथ पत्र कहा जाता है, जिसे हम एफिडेविट भी कहते हैं। एफिडेविट के माध्यम से किसी लीगल कमिश्नर के सामने बयान दिया जाता है और उसे भविष्य में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एफिडेविट बनाने के बाद अपनी बातों से मुकर जाता है तो उसे कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये एफिडेविट कहाँ काम आता है। तो विद्यालय में दाखिला, विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति व जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को बनाने के लिए यह एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। अब सवाल उठता है कि यह एफिडेविट आखिर कहां से बनाएं? तो किसी भी कोर्ट या उनके मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी भी नोटरी के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा किसी विशेष न्यायालय को इन चीजों के लिए सशक्त किया गया है। और आखिर ये एफिडेविट बनता कैसे है? तो किसी भी एफिडेविट को बनने के लिए चार चरणों से गुजरना पड़ता है। तो क्या है वो चार चरण, आइए देखते हैं। हलफनामा या एफिडेविट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टैम्प पेपर को खरीदना होगा, फिर उसे अपने लिखित परिभाषित पेपर के ऊपरी छोर पे चिपकाना पड़ेगा। याद रहे, अलग राज्यों में अलग अलग स्टैम्प पेपर यूज होता है, कहीं 10 रुपए का तो कहीं 100 का। स्टैम्प पेपर कागज की वैल्यू बढ़ाता है। कोई भी कागज में स्टैम्प पेपर चिपका देने के बाद उसे लीगल पेपर का नाम दिया जाता है। दूसरे चरण में हमें अपने एफिडेविट बनाने के लिए एक विषय चुनना होता है, यानी अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एफिडेविट चाहते हैं तो आपको उस विषय में पूरे पत्र में लिखना होगा। तीसरे चरण में लिखने और चिपकाने के बाद आपको अपने साइन यानी हस्ताक्षर भी करने होंगे। और अंतिम चरण में ऊपर के सारे काम करने के बाद आप किसी नोटरी से उस कागज में अटेस्टेड करवा लें। तो अगर आप किसी भी प्रकार का एफिडेविट बनाना चाहते हैं तो आपको इन चार चरणों से गुजरना होगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज और क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।